الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة أما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا वह आखीरी कलामीना स्लो करवाएं थोड़ी मोहतरम माएँ और बहनें मुआजस ख़वा अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों में मर्दों और, और औरतों को बनाया है और अल्लाह ताला से तमाम इंसानों से अपनी इबादत का मुतालबा है दुनिया के अंदर जितने मर्द हैं और जितनी औरतें हैं ये सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं और बंदियाँ हैं लेकिन ईमान अल्लाह ताला ने दुनिया में सबको नहीं दिया चंद मखसूस बंदे और बंदियां हैं अल्लाह ताला की दुनिया में जैसे सात अरब इंसान दुनिया में हैं उनमें से कुछ अरब बहुत एक या दो मुसलमानों की आबादी है ईमान वालों की आबादी है सब ईमान वाले नहीं हैं अल्लाह ताला चाहते तो सबको ईमान की दौलत से नवाज देते लेकिन अल्लाह ताला ने सबको ईमान की अजीम दौलत से नहीं नवाजा क्यों नहीं नवाजा क्यों नहीं अता किया सवाल पैदा होता है ना ये गैर भी कहते हैं हमसे कि अल्लाह ताला ने सबको मुसलमान क्यों नहीं बना दिया इसीलिए कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि जिनको मैंने ईमान दिया है वो क़दर करते हैं या नहीं और जिनको मैंने ईमान नहीं दिया वो ईमान की तरफ आते हैं या नहीं और दोनों की आजमाइश हो रही है ये दुनिया तो आज़माइश की जगह है ना ये कोई ये और बात है कि जन्नत की बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने मिसाल दिखलाने के लिए कि ये दुनिया में इतनी सी है और इससे बहुत बड़ी नेमत हम दुनिया जन्नत में अता फरमाएंगे इस जैसी अंगूर यहाँ भी हैं जन्नत में भी देंगे लेकिन जायका उसका अलग होगा जो फल आप यहाँ सुनते हैं जन... ताला ने कुरान में जिक्र किया कि वो जन्नत में भी होंगे लेकिन उसके जायके, उनका रंग उनका साइज अलग होगा यहाँ ने मिसाल दिखलाई है तो इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत की बहुत सारी नेमतों को इंसानों को दिखलाया है ताकि जो लोग अमल करने वाले हैं उनके अमल के शौक़ में इजाफ़ा हो जाए मुझे, मुझे मुस्तकिल यहाँ हार्ट की तरफ़ असल में दर्द हो रहा है पानी पिलाएं थोड़ा सा और दूसरी बात यह है कि ये जो दुनिया है ना ये अमल की जगह है यहाँ पर इंसान या तो अच्छा अमल करेगा या बुरा करेगा और अल्लाह ताला ने इसको दारुल अमल बनाया है दारुल हिसाब नहीं बनाया दारुल जज़ा नहीं बनाया ये और बात है कि चंद आमाल का बदला अल्लाह दुनिया में अता फरमा देते हैं और चंद आमाल का बदला अल्लाह ताला अक्सर आमाल का बदला आखिरत में अता फ़रमाएंगे लेकिन अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अच्छी ज़िंदगी नहीं चाहता हर कोई चाहता है कि मेरी ज़िंदगी वो अच्छी ज़िंदगी हो अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी हो तो उसके लिए आमाल साल करना पड़ेगा नेक आमाल करना पड़ेगा ये ल्हज़ा के अयााम और दिन चल रहे हैं हज का महीना चल रहा है ये दिन इंतहाई मुबारक है अल्लाह ताला के यहाँ वैसे तो मोमिन की अलामत ये होती है कि मोमिन बंदा और मोमिन बंदी वो अल्लाह की नाफ़रमानी के साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ारता उसको तब तक करार नहीं आता जिस वक्त तक वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी पर पूरा ना उतरे और अपने हर अमल से अल्लाह ती फाबरदारी ना करे और ज़िंदगी और मौत का मकसद भी अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे खुले तौर पे बिल्कुल बयान कर दिया है तबारक लदी बदहिलमल वहू आलाकुल्लिन कदीर अल-मौत अल्ली खलकयात अहसनु अमला। ये ला कह रहे हैं कि देखो ये जो ज़िंदगी मैंने बनाई है और ये मौत जो मैंने तुम तुम्हारे लिए बनाई है ये मौत का ज़िक्र पहले फरमाया और ज़िंदगी का जिक्र बाद में फरमाया है फरमाते हैं कि जिंदगी का जिक्र बाद में मौत का जिक्र पहले इसलिए है ताकि अहमियत को बताया जाए कि जिस जिंदगी के लिए जी रहे हो ना ये असल में मौत तक पहुँचती है हम सब तो जी इसी ले रहे हैं कि ज़िंदा रहें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी हो और ये ज़िंदगी कभी ख़त्म ना हो बिल आखिर ये अटल हकीकत है कि मौत तो आनी है ये सच्ची बात है और ये ऐसी बात है कि दुनिया के अंदर इनकार करने वालों ने खुदा का इनकार कर दिया और आज भी कर रहे हैं लेकिन शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा दुनिया के अंदर जो मौत का इनकार करे क्यों रोज़ाना मरने वालों को देखते हैं रोज़ाना उठते जनाजे देखते हैं रोज़ाना कफन पहनाए जा रहे लोगों को देखते हैं रोज़ाना मिट्टी के अंदर दबा दफनाए जा रहे इंसानों को देखते हैं रोज़ाना अयज़ा व अकरबा के जनाजे अपने कंधों पर उठाकर कब्रिस्तान ले जाता देखते हैं इसलिए मौत को कोई इनकार नहीं कर पाता ज़ाहिर है कि जो चीज़ आनी है अल्लाह बारे में पहले ही बता दिया है ये हकीकत है और ये आएगी तो असल में जिंदगी नाम है इख्तिताम का जिस तरीके से हर सुबह को शाम आती है और हर जवान बूढ़ा होता है हर जिंदगी को मौत आएगी कुल्लु नफ्सिन मौत, हर नफ्स मरेगा जितनी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं हर चीज़ को फनाए, कुल्लु मन अलहा फान वाह रबी जला वली कराम हर चीज़ फ़ना होगी बका सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है और जब दुनिया को अल्लाह ताला फ़ना कर देंगे और इंसानियत पूरी मर जाएगी कुछ बाकी नहीं रहेगा तो नलमलू आई नलमलूक बादशाह कहाँ हैं दुनिया के आई नलमुतबरू आई नल जब्ब्ब्ब्ब्बार ये बादशाह कहाँ हैं ये तकबर करने वाले कहाँ हैं ये ज़मीन पर अकड़ कर चलने वाले कहाँ हैं ये जबर करने वाले और जुल्म करने वाले कहाँ हैं अल्लाह कहेगा कोई नहीं है कोई नहीं है मैं ही अल्लाह हूँ जिसे आज जिसे कभी ना ऊँग आती है ना नींद आती है जिसे न कभी मौत आएगी वह ह्य है वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा ये ये यकीन दिलवाया जा रहा है कुरान के अंदर इंसान को ला तुद हसिनतु वहुमा फिस समावादी बई नई दीह व मल्फ हम अल्लाह ताला ये बात कह रहे हैं कि देखो वो ऐसा है जिसे ना ओंग आती है ना नींद आती है उसी के लिए जमीन भी और आसमान भी है आज हम जिस निज़ाम के तहत चल रहे हैं शायद ये भूल चुके हैं कि हमें कोई देख ही नहीं रहा तभी तो मौत का यकीन निकला है ना और जब अजीब बात है कि जब मौत आएगी तो इंसान न एक कदम आगे बढ़ पाएगा ना एक कदम पीछे फईजा जामलास सातन वला यस तकदीम न एक कदम आगे बढ़ेगा न एक कदम पीछे ना 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 ऐसा नहीं होगा कि इंसान ये कह दे कि ज़रा ठहरो 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 मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो सजदे कर लूँ नमाज़ें पढ़ लूँ तोबा कर लूँ जब तक जान में जान है और बदन के अंदर सांस आ रहा है और इंसान सांसें ले रहा है उस वक्त तक अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिमा युर गिर मौत के आखिरी वक्त तक जब तक गरारे का गर का आलम ना हो और यहाँ तक जान अटक ना जाए अल्लाह ताला इंसान की तोबा को कबूल करता है और उसको आखिरी मौका देता है कि मुझ तक पलटा हज़रात सहाबियाियात रज़ा में इस बात की बहुत ज़्यादा फ़िक्रें थीं और वो उनके नज़दीक दुनिया की इतनी अहमियत नहीं थी लेकिन हम लोगों को दुनिया की चकाचौन ने गाफिल कर दिया है और अल्लाह ताला ने कुरान करीब में साफ़ तौर पे ये कह दिया है कि देखो ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे वला हयात दुनिया बिल्ला गुरूर अल्लाह तला ने कहा यह दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाल दे और ये कहना पड़ा इंसानी मिजाज की वजह से अल्लाह मागर कब रब्बिकल करीम भूल गए भूल गए याद नहीं है तुम्हें कुछ कौन हो क्यों हो क्या है कहाँ जा रहे हो क्यों आयो क्यों भेजे गए हो क्यों पैदा किए गए हो पता नहीं तुम्हें दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा माँ गर्र कभी रब्बी कल करीम अपने परवरदि करीम से तुम्हें किस चीज ने गाफिल कर दिया किस नशे गफलत में जी रहे हो खलक का फसोआवा का फायदा लक वो जिसने तुम्हें पैदा किया था उसको भूल चुके हो वो जो तुम्हें खिला रहा था पिला रहा था जिला रहा था जिसने माँ के पेट में रख के तुम्हें गजा दिया जिसने तुम्हें जिंदगी देने के बाद तुम्हें आफियत बख्शी तुम्हें सर छुपाने को छत और दुनिया के हज़ारों नियामतें दी और हिसाब कोई नहीं मांगा उस अल्लाह ताला से ताफिलों के जिंदगी खर मस्ती की गुजार रहे हो ना औरतों को खबर ना मर्दों को खबर मागर्र का भी रबी किस चीज़ ने धोखे में डाला इस दुनिया ने धोखे में डाला है हम इस कदर इससे अटैच हो गए और इतने जुड़ गए कनेक्ट हो गए कि दूसरा अल्लाह तस्कनेक्ट हो गया हमारा रबता उस बनाने वाले को भूल गए और जब उस इंसान अपने खालिक और अपने क्रिएटर को भूलता है तो उसका निज़ाम बिगड़ जाता है ये इंसानी ज़िंदगी का रूल है कि अगर बनाने अगर किसी चलाने वाले से और बॉस से और मालिक से मजबूत रबता हो तो ठीक ठीक चलता है और जब अल्लाह ताला और जब अपने मालिक से रबा कमज़ोर होता है तो इंसान बिगड़ का निज़ाम ज़िंदगी का निज़ाम बिगड़ता चला जाता है हमारे साथ यही हो रहा है हमें ख़याल ही नहीं कि हम किसी के पैदा करदा बंदे हैं और अल्लाह ताला ने जो नियामतें दी हैं हम उसके चक्कर में उन उन नियामतों पर शुक्र अदा नहीं कर रहे बल्कि नियामतें इसलिए नहीं मिली थी कि उनके अंदर बिल्कुल घुल अंदर चले जाएं और धस जाएं और नियामतों में फंस जाएं बल्कि अल्लाह ताला ने नियामतें इसलिए दी थीं उसका शुक्र अदा किया जाए और नियामत का सबसे बड़ा शिक्र ये है कि इंसान उसको उसकी सही जगह इस्तेमाल करे यह सेहत की नियामत मामूली न्यामत है हजूर ने फरमाया के न्यामतान मक़बून फ़ी हिमा कसरमिनस अतलफ़रा कमाल आलत वसलाम हजू ने फरमाया के दो नामतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग बड़ी गफलत का शिकार हैं बड़ी गफलत का शिकार है एक तो सेहत की न्यामत जब तक सेहत होती है आदमी कहता आज भी सेहत है कल भी सेहत है परसों भी सेहत रहेगी ये धोखा है ये फरेब है जो इंसान का नफ्स इंसान को देता है और ये शैतानी वसवसा है जो इसके दिल में अल्लाह शैतान डालता है जो सेहत आज है वो कल नहीं रहेगी इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि सेहत के ज़माने में और सेहत के अयाम में आमाल कर लो क्योंकि जब बीमारी के अयाम आते हैं इंसान के आज़ा काम नहीं करते हुजूर ने खूसट कर देने वाले बुढ़ापे से कि जब इंसान किसी काम का न रहे सिर्फ बैठ कर खांसता रहे उठ ना सके ऐसे बुढ़ापे से हुजूर ने पना मांगी है अल्लाउ दुबी का हर अमन मुफन्दा अल्ला मुझे ऐसे बुढ़ापे से बचा दीजिए पना मांगता हूँ मैं आपकी जो मुझे खूसट कर दे लागर व कमज़ोर कर दे तो जब तक जिस्म में जान है और बदन के अंदर सेहत है ताकत है अल्लाह की बड़ी नेमत है इसके अंदर इंसान को चाहिए कि अल्लाह को राज़ी कर ले लेकिन हम अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे और हमारी ज़िंदगी सारी गफलतों में गुज़र रही है तो अशर झील हिजा में ये करने के काम हुजूर ने फरमाए इब्ने अब्बास रज़ी नुमा की रिवायत है इन दिनों से ज़्यादा अल्लाह को किसी दिन में आमाल पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा आमाल अल्लाह तुम पसंद है कि बंदा इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेकाल करें क्या करें तस्बी बयान करें अल्लाह की पाकी बयान करें दरुशरीफ पढ़ें इसतगफ़ार करें कली में तय्यबा की कसरत करें गरचे जो नेक एक कर सकते हो करें लेकिन एक बात का ख्याल हो उसके साथ साथ इंसान गुनाहों भरी जिंदगी से तोबा भी करें अपनी नकियाँ ऐसी गठरी में जमा ना करें और ऐसे मटके में सुराही में जमा ना करें जिसमें छे दो नकियाँ जमा होती जा रही हैं लेकिन पानी टपकता जा रहा है और नकियाँ निकलती जा रही हैं पता चला कि जब इंसान अपने नाम या आमाल को देखेगा कि मेरी नकियाँ कहाँ गई जो गुनाह से तोबा नहीं कर रहे थे और जो गुनाह बड़ी ज़िंदगी पर इसरार कर रहे थे वो सारी की सारी नकियाँ ज़ाय हो चुकी हैं क़यामत के दिन इंसान अल्लाह ताला से कहेगा एक मौका मांगेगा मोहलत मांगेगा और यूं कहेगा कि कॉल रब्बिर जोनी ली अमलहन फ़ीमा तरक्तु अल्ला एक दफ़ा एक दफ़ा भेज दीजिए मुझको रिटर्न भेज दीजिए अल्लाह कहेगा यहाँ आने की तरतीब है जाने की कोई तरतीब नहीं है रिटर्न फ्लाइट नहीं मिलती यहाँ से यहाँ सिर्फ इंसान आ सकता है कल्लाहा इंसान से अल्ला कहेगा कि बस ये बात है जो कह रहा है करेगा अब भी नहीं अगर दूसरा मौका भी इंसान को मिल जाता इन दुनिया के झमेलों में पढ़ने के बाद उसको भी नहीं करता अच्छा हम समझते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ हमारी है यह अजीब बात है ना यहाँ तक आएगी आवाज़ इसको और स्लो करवाएं जितनी वहाँ काफ़ी हो बस उतनी करवाएं ठीक है हम समझते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी है सिर्फ और लोगों की सहाबा की कोई ज़िंदगी नहीं थी मसाइल सिर्फ हमारे साथ हैं औलादें सिर्फ़ हमारे पास हैं बीवी बच्चे सिर्फ़ हमारे पास हैं शौहर सिर्फ़ हमारे पास है घर गृहस्थी सिर्फ़ हमारे पास है क्या मसला है जी घर गर गृहस्थी सिर्फ हमारे पास है ना 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 हमसे ज़्यादा सहाबा के पास था हम से ज़्यादा सहाबा के पास था सहाबियात के पास था सहाबा के एक एक सहाबी के कम से कम दो बीवियां होती थी और एक एक सहाबिया के इस ज़माने की तरह नहीं कि दो दो बच्चे हों दो से ज़्यादा बच्चे होते थे और घर के काम होते थे और इबादतों के लिए वो वक्त निकालती थी क्यों जब अल्लाह की रज़ा और अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला की महबत और अल्लाह ताला की तताद पेश नज़र होती है तो फिर ये मसले इंसान इसकी तरफ़ तोजो नहीं करता और जब दुनिया पेश नज़र होती है कि बस दुनिया जी शोहर से आज मुतालबा करना है जेवरात का शोहर से मुतालबा करना अच्छे कपड़ों का शोहर से कहना है अच्छे खानों के लिए तो फिर इंसान की नजर दुनिया पेश नज़र है और जिस इंसान का मतमह नज़र और जिस इंसान का मन तहा नज़र और जिस इंसान का मकसद दुनिया बन जाए उसका पेट कभी नहीं भरता तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास चीज़ें और इसबाब ज़्यादा हों तो दिल को सुकून मिलेगा ना 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 ग़लत फ़हमी है बहुत बड़ी चीज़ों और इसबाब की कसरत से सुकून नहीं मिलता चीज़ों और इसबाब की कसरत से सुकून नहीं मिलता अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने से सुकून मिलता है इसी को तो इस्लाम ने सिखाया रवी तो बिल्ला रब्बन व बिल इस्लामी दीनान व बिल महमदिन नबिया सल मैं राज़ी हूँ इस बात पर कि आप हमारे रब और पालन हार हैं आपके अलावा कोई रब नहीं है आप खिलाते हैं आप जिलाते हैं, आप पिलाते हैं आपसे मांगेंगे इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो पहले अल्लाह से कहो हमारा मम्बा और हमारे लिए मरजा अल्लाह ताला की जात है हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए लेकिन हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते हम इंसानों से तोपेक्टेशन और, और उम्मीदें और दिल के ताल्लुकात और लगा के रखते हैं कि ये कुछ कर देगा शायद ये कुछ कर देगा वहीं टूटता है इंसान और जिसके दिल की जिसके दिल का तार अल्लाह से जुड़ा होता है वह हर हाल में अल्लाह ताला तरफ रुझू करता है और हुजूर ने फरमाया नमक की जरूरत पेश आ जाए तो भी अल्लाह से कहो गरचे बज़ाहिर नजर आ रहा है कि किसी दूसरे से मिल जाएगा इससे ताल्लक अल्लाह मजबूत होता है लेकिन हम लोगों ने इंसानों से कह कह कर इंसानों के सामने अपनी मोहताजियाँ बयान कर कर के अपने दिल का हाल ऐसा बना लिया कि अब अल्लाह ताला से तुजू दूसरे नंबर पे करता है पहले इंसानों से कहता है फिर अल्लाह का निज़ाम देखें अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद नहीं करता अल्लाह कह दो मेरे बंदे के पास काम करवाने गए हो अब मैं उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं डालूंगा अब वो तुम्हारे कामों को टालेगा फिर लौट के मेरे पास आओगे और यूँ कहोगे अल्लाह मेरे काम की बात और मेरे काम को पूरा करवाने का जिम्मा आपने लिया है लिहाजा आप उसके दिल में बात डाल दीजिए और उसको जरिया सबब के तौर पर कबूल कर लीजिए तरीका ये था ये ईमान का तकाजा है हम ईमान के तकाजे को नहीं समझते इसीलिए कुरने करीम में अल्लाह ताला ने तब को कहा था सारे मुसलमानों को, कहा, को देखो यह दुनिया फरोख यह दुनिया की जिंदगी ये तुम्हें अल्लाह गाफिल न कर दें ऐसे बंदे हैं अल्लाह तारीफ की ऐसे बंदों की रिजाल तिजारत विक्र अल्लाह कहा ऐसे कुछ मखसूस बंदे हैं हमारे न उनको अल्लाह के ज़िक्र से उसकी याद से उसके नाम से उसके काम से उसकी इताअत से उसकी मशीयत से उसकी महब्बत से उसकी मारिफत से उसकी पहचान से उसके सामने रुजू से उससे के सामने मांगने से उसके सामने झुकने से रिजाल्ला तो तजारत वाला बई उन ना ख़रीदना गफलत में डालता है न बेचना गफलत में डालता है साहबा जो दुकानें खुली छोड़ के जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं अजानों पर उन्हें मालूम है रिस्क़ देने वाला रज़ाक अल्लाह है आज हमारे यहाँ जो घरों के अंदर तरबियतों का निज़ाम बिगड़ा पड़ा है औलादें जो बदतमीज़ हुई पड़ी हैं वो एक तो मरहून मन्नत है मौजूदा निज़ाम तालीम की और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की और दूसरी वजह यह है घरों के अंदर बेदी की ये पहली वजह है बल्कि घरों के अंदर बेदीनी होती है पता नहीं होता कि ये बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है फिर वो बच्चा अल्लाह रसूल का बागी बनता है हमारी औलादें हमारे बच्चे जो अल्लाह और उसके रसूल के बागी बन गए उसकी वजह क्या है उसकी वजह यही है कि हमने उनको दीन नहीं दिया बिल्कुल दीन नहीं दिया हमने उनको और ये समझते रहे कि इसकी कामयाबी तो तब है जब ये अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में पढ़ ले और अच्छे इंस्टीट्यूट में इसका एडमिशन हो जाए ये बहुत बड़ा फरेब और धोखा है जो इंसानों को खसूस मुसलमानों को दिया जा रहा है डेवलपमेंट और तरक्की का राज ये सिर्फ़ अच्छी तालीम से नहीं मिलता किताबों के पूरा करने और सलेबस के पूरा करने से नहीं मिलता ये माओ की तरबियत से मिलता है यह साल इंसान बनने से मिलता है और जब इंसान अपने आप को जहन्नम से बचा कर जन्नत के रास्तों पर लेकर जाता है तो अल्लाह ताली फिर इसको कामयाबी के परवाने अता फ़रमाते हैं फ़मन जोह अनारद ख़िलजन्ना फ़कद फाज़ के जो इंसान जहन्म से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया अल्लाह कहते हैं ऐसे इंसान कामयाब है कामयाबी का मैार कपड़े वपड़े घर वर ये कुछ नहीं है फजूल की बात है सब अगर ये कामयाबी का मैार ये चीज़ें होती तो हज़रात सहाबियात के पास परदा करने के लिए दो चादरें भी ना थीं हुजूर के साथ सहाबी जाते हैं फरमाया पर्दा कर लो सहाबी ने कहा हुजूर मेरे पास इतनी चादर नहीं है हज़रत फातिमा का वाक़ है कि मैं पर्दा कर लूँ हुजूर ने अपनी चादर मुबारक जो साथ रखते थे वो दी का इससे पर्दा कर लो लेकिन कामयाब हैं हुजूर उनके बारे में फरमाते हैं ये फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा उमर कुछ साहब ये रसूल हज़रत हसन फरमाते हैं या हजरत हुसैन कहते हैं कि मैंने सैदन उमर फारूक को देखा कि मिम्बर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं और हजूर हजरत उमर बबिन खत्ताब के कपड़े के अंदर सत्रह पेवंद लगे हुए उमर बिन खत्ताब के कपड़े में सत्रह पेवंद लगे एक दो नहीं हम तो रफू भी कर लें अगर कपड़े पर तो उस कपड़े को दोबारा नहीं पहनते लेकिन कामयाब हैं हैंज़ूर फ़रमाते लादी नबी लकानमर मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो उमर होते लेकिन कामयाब हैं सिद्दीक के अकबर के पास सारा कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया अल्लाह के रसूल के लिए दीन के लिए बजाहिर कुछ नहीं बचा आज़र तब कर सिद्दीक के पास लेकिन हुजूर कह रहे हैं कि मैंने सब हक़ अदा कर दिया सदीक़ अकबर का हक अल्लाह अदा करेगा कामयाब हैं हजूर साहबा के ज़िक्र फरमाते हैं और कहते हैं ये जन्नत में ये ज़न्नत में ये जन्नत में ये किन बुनियादों पर माल है लेकिन माल में अल्लाह का डर है कामयाब हैं। गरीब भी कामयाब हो सकता है मालदार भी कामयाब हो सकता है खलीफ़ा और बादशाह भी कामयाब हो सकता है फ़ीर भी कामयाब हो सकता है और अल्लाह के यहाँ लेकिन हर चीज़ का ताल्लुक अल्लाह त होगा और दीन से होगा तो कामयाबी मिलेगी यही चीज़ें जन्नत में जाने का जरिया और ज़ामन है ऐसा नहीं हो सकता सैदना उमर इबन खत्ताब खुतबा देने खड़े हुए हैं उमर लम्बे थे तो किसी कहने वाले ने कहा बाद में बयान बाद में हज़रत एक बात बताएं ये जो आपने दो चादरें ओढ़ रखी हैं सबको एक एक चादर मिली आपको दो क्यों मिली कहने लगे हाँ सही सवाल है असल में मुझे एक लुंगी काफ़ी नहीं हो रही थी एक कपड़ा काफ़ी नहीं हो रहा था मैंने अब्दुल्ला अपने बेटे से एक लिया है ये मेरा अपना नहीं है ये अब्दुल्ला को जो मिला था वो है हजरत उमर ने जवाब दिया है लेकिन कामयाब हैं और हम दुनिया की नियामतें मिलने के बावजूद अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर ऐसे तुले हुए हैं जितनी नियामतें मिलती चली जा रही हैं उतने ज्यादा नाका, नाकाम नाकाम इंसान बनते जा रहे हैं और यूं समझते हैं कि हमसे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं है कामयाबी का मैार ये मादियत की चीजें नहीं है ये बजाहिर नज़र आने वाली चीज़ें नहीं हैं वो चीज़ जो अल्लाह ला ताफिल कर दे और वो चीज़ जो अल्लाह के रास्ते से हटा दे और वो चीज़ जो अल्लाह ला तूर कर दे वो नाकामी के रास्ते हैं, फरेब के रास्ते हैं, जहन्नम के रास्ते हैं, वुलतों के रास्ते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों मेरी माओ बहनों यही चंद बातें अर्ज़ करनी थी और अर्ज़ ये करना था कि अब जो घरों का माहौल बनेगा वो तो बनेगा तरबियत से और घर के अंदर एक तो शोहर के हकूक़ होते हैं आज शोहर के हकूक़ से बड़ी बेतवजो ही बरती जा रही है शोहरों के हकूक़ से बड़ी बेतवज़ ही बरती जा रही है शोहर का वो मकाम है कि हजूर ने फरमाया अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने अपने शोहरों को सजदा करें ये मामूली बात नहीं है अल्लाह ताला ने औरत की इज़्ज़त को महफूज कर दिया शोहर के नाम की वजह से और उसके साथ की वजह से औरतों को शुक्रगुजार होना चाहिए अगर और उनसे पूछें जिनके शोहर नहीं हैं या जिनकी शादियां नहीं हो रही वो इस नियामत को समझते हैं लेकिन हमारे पास चूंकि नियामत होती है तो हमें कदर नहीं होती जब और जो घरों के अंदर आज जो घरों का माहौल और इस दिवाजी ज़िंदियाँ और मैरिड लाइफ जो डिस्टर्ब हैं उसकी वजह यह है कि हमने एक एक दूसरे को ना औरतों ने मर्दों को समझा ना मर्दों ने औरतों को समझा जबकि ये दोनों गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं और दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है आगे वाले को भी और पीछे वाले को भी एक साथ चलना पड़ता है एडजस्ट करना पड़ता है बर्दाश करना पड़ता है इग्नोरेंस पैदा करनी पड़ती है टोलेंस पैदा करनी पड़ती है पेशेंस पैदा करने पड़ते हैं सब्र पैदा करना पड़ता है ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहें ये ज़िंदगी इसमें तलखियाँ भी आएंगी इसमें खुशियाँ भी आएंगी इसमें गम भी आएंगे इसमें हालात भी आएंगे ये ज़िंदगी तो ऊँच नीच का नाम है पेचम का नाम है यकसा नहीं चला करती ज़िंदगी अमीर गरीब किसी की भी एक जैसी नहीं चलती और अल्लाह के निज़ाम देखें कि अगर इंसान सिर्फ़ उसे खुश रहना चाहे और उसके पास सिर्फ़ ख़ुशियाँ आएँ तो ये इंसान अल्लाह का बागी बन जाएगा और अगर सिर्फ़ ग़म आए और ख़ुशियाँ ना आएँ तो इंसान पागल हो जाएगा तो वो अल्लाह है वो जानता है कि मेरे बंदों के लिए कौन सी नामत बेहतर है और मेरे बंदों के लिए कौन सी नमत बेहतर नहीं है इसलिए वो देता है तो भी उसका शुक्र है नहीं देता है तब भी उसका आदल फज़ल है उसकी हमतें इंसान नहीं जानता तो इसीलिए शिकवे शिकायतें और कनात पसंदी जो है ना वो हमारे घरों से ख़त्म होती जा रही है ईद में एक जोड़ा नहीं चाहिए कम अज़ कम तीन चाहिए बच्चों की ये जिद आप पूरी करें नेक औरत की अलामत ये होती है वो चाहती है कि जब मुझे मेरा शोहर देखे ये जन्नती औरत की कीत है कि जब उसको उसका शोहर देखे तो उसका दिल खुश हो जाए और वह अल्लाह का शिक्र अदा करे कि यह अल्लाह तेरा कितना शुक्र है कि तूने मुझे पाक दामन और साबिरा और शाकिरा और कदर और इज्जत और खिदमत करने वाली बीवी अता फरमाई है और हज़ूर ने फरमाया जो औरत नमाज़ पढ़ती है रोज़ा रखती है और अपने घर के अंदर रहती है पर्दा पर्दा करती है और अपने शौहर के ना नफ्स में खयानत करती है ना माल में खयानत करती है हुजूर ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी इतना आसान है औरतों का जन्नत में जाना हमने मुश्किल बना रखा है हमने मुश्किल बना रखा है तो ये शौहर अल्लाह के रसूल की जो अजवाज हैं जो सहबियात हैं जो हमारी माएँ हैं उनका हुदूर के साथ क्या मामला था और हमारा अपने शोहरों के साथ और हमारी माओं का हमारी बेटियों का हमारी बहनों का अपने शोहरों के साथ कितना संगीन मामला है इसकी संगीनी को समझना चाहिए हुदूर ने फरमाया जब दुनिया की औरत शोहर को सताती है तो जन्नत की हुरें कहती हैं कि इसको मत सता ये चंद दिन तक तेरा मेहमान है फिर ये हमारे पास आएगा और जब उसको सताती है तो अल्लाह ताली शोहर को जल्दी बुला लेते हैं रिवायत मौजूद है हम समझते हैं कि नहीं जब मियाँ और बीवी में से कोई भी किसी की नाकदरी करता है न्यामत की तो नाकदरी करेंगे साफ़ क़ानून और निज़ाम है अल्लाह का कि अल्लाह ताला छीन लेगा साफ़ कानून है और अगर खुदा ना करे कि हज़ारों बेटियाँ परेशान हैं निकाह के लिए हज़ारों तलाक़ याफ़्त औरतें परेशान हैं हज़ारों बेवा औरतें परेशान हैं हज़ारों कुंवारी बच्चियाँ परेशान हैं निकाह के लिए निकाह नहीं हो रहा क्यों कितनी अजीम बात है शोहर के हकूक़ को समझना चाहिए और ख़िदमत नाम है राहत पहुँचाने का इंसान और बीवियों की ये कोशिश हो कि मेरे ज़रिए से मेरी ज़बान से मेरे किसी अमल से मेरे शोहर को तकलीफ़ न हो और बी शोहरों को यूँ कहा गया कि इनके साथ रिफ़ कन बिलकवारफ़ कन बिलकवारेर शीशों की तरह आबगीनों की तरह मामला करना ये बड़ी नर्म नाजुक है इनको तकलीफ़ न देना और क़ुरान ने कहा आश्रो हन्ना बिलमूफ़ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो इनके साथ औरत की बेज़ती बड़ी आसान लगती है औरत की बेज़ती बड़ी आसान लगती है गालियाँ निकालना बड़ा आसान लगता है जिसे गालियाँ दे रहे हैं यात वो है जिसके ज़रिए से हम और आप दुनिया में आए जिसे गालियाँ दे रहे हैं ये वो है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि इस कदमों के नीचे जन्नत है जिसे गालियाँ दे रहे हैं ये किसी की माँ बनेगी तो जब वो उसको देखेगा उसे मकबूल हज उमरे का सवाब मिलेगा ये वो है जिसके बारे में हजूर सल्ला वशारतें सुना रहे है और इस औरत को आज हमने अपनी अपने, अपने अपने घर के अंदर नौकरानी से ज़्यादा जरूर तो बनी दिया है लड़कियां ढूंढने जाते हैं तो यूँ कह रहे होते हैं खाना पकाना आता है कपड़े धोना आता है बर्तन धोना आता है कोई लड़की ढूंढने नहीं गए काम वाली ढूंढने गए हैं ये औरत का मकाम नहीं है वो तो ये है कि वो अपने जब बीवी शोहर देखे तो वो खुश हो जाए शोहर को बीवी देखे तो वो खुश हो जाए और जब दोनों एक दूसरे के सलाहियतों का और एक दूसरे की खिदमतों का एतराफ़ करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी ये ख़िदमत है और मुझे इसकी कदर है और जब एक दूसरे में आपस में दिल लगी का माहौल होता है तहफ़ तो तहईफ़ देने का माहौल होता है और उनकी खुशियों को खुशी और उसके गमों को गम समझने का माहौल होता है तो फिर अल्लाह त घर को जन्नत का नमूना बना देते हैं आज जो घरों का सुकून बिगड़ा हुआ है कि घर में दाखिल होते ही शोर बीवी आते ही ताने शुरू कर देती है आ गए घर में और शोहर अब थका हुआ आया अब उसका दिमाग का पंखा पाँच पे चला गया अब जब दिमाग का पंखा पाँच पे गया तो फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई तो इसीलिए इन लड़ाइयों से बचने के लिए ये बात है कि दोनों को एक दूसरे के हकूक़ मालूम हो और फिर मिल कर के दोनों अपनी नस्लों की और अपनी औलाद की तरबियत करें ये अल्लाह ताला चाहते हैं क्यों अच्छा इंसान देना है ना माशरे और सोसाइटी को और समाज को इंसानों की भीड़ तो बहुत फिर रही है दुनिया के अंदर इंसानों की भीड़ नहीं देनी भाई अच्छा इंसान देना है साले इंसान देना है माशरे को जो कौम के काम आए जो घर के काम आए जो इज्जत जो अपनी इज्जत करे अपने बड़ों की इज्जत करे ये तरबियत माँ बाप दोनों को मिलकर करनी होती है लेकिन जब अपने झगड़ों में लगते हैं तो फिर बच्चे की तरबियत से गाफिल हो जाते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तीमल करने की तोफ़ी तता फरमाए वाहिर उदावाना अनिलहमदल्लाबालमीन سلوك النجسي. مختصر سي كرني الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في اول كلامنا واوسط كلامنا واخر كلامنا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا موطي لما منعت ولا ينفوذ الجد منك الجد. اللهم لا نوصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا من روعاتنا اللهم اللهم لا اله الا الله الحليم الكريم لا اله الا انت سبحان الله لا اله الا انت سبحان ربك رب العزه اما يصفون اي प्यारे अल्लाह हम आपके आजिज और مسكين बंदे और बंदियां आपके दरबार में हाजिर हैं अल्लाह ज़ाहिर में तो हम आपके बंदे हैं लेकिन अल्लाह हकीकत में बड़े गंदे हैं ए रब करीम आप हमारे एक लौते अल्लाह हैं और आप हम अरबों इंसानों के एक लौते अल्लाह हैं आपके तो अरबों बंदे हैं लेकिन आप हमारे एक लौते और बड़े प्यारे अल्लाह हैं ए बहुत प्यारे अल्लाह ए बहुत करीम ए बहुत रहीम ए बहुत करम करने वाले अल्लाह ए बहुत करम और सत्तारी का मामला फरमाने वाले अल्लाह आज तक आपने हमारे गुनाहों के बावजूद हमको सज़ा न दी हमारे गुनाहों को लोगों पर जाहिर न किया ए बहुत परवरदिगार ए दुनिया के बादशाह ए बादशाहों के बादशाह ए वो जिसे ऊँग और नींद भी नहीं आती ए वो जिसे किसी का डर भी नहीं ए वो जिसे किसी की मदद की ज़रूरत कोई नहीं ए वो जो तन तनहा सारी कायनात के ज़र्रे जर्रे का बादशाह है ए बहुत प्यारे रब ए अपनी कुदरत से हमको बनाने चलाने वाले अल्लाह हमको माँ फरमा दीजिए अल्लाह हमको माँ फरमा दीजिए ए रब करीम ए अल्लाह हमने आपको बहुत नाराज़ किया है बहुत गुनाह किया है गुनाह के दौरान आपका ख्याल ना आया अल्लाह हम जो गुनाह करते थे सोचते थे कोई हमें देख नहीं रहा अल्लाह ये बड़ा जुल्म कर दिया हमने अपनी जानों पर रबना गलम अनफुसना व फना तगफिर लना व तरहमना ना मिनल निनसरीन ए बहुत करम करने वाले अल्लाह मुआफ़ फरमा दीजिए ए अल्लाह दुनिया में आपने हमको भेजा हम मकसद ज़िंदगी भूल गए हम मकसद ज़िंदगी भूल गए हमें याद न रहा कि आपने हमें क्यों भेजा था ए बहुत प्यारे रब ए हम हम भूल गए कि आपने हमें अपनी इबादत और अपनी इतात और अपनी अपनी, 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 अपनी मासीत से बचने के लिए और अपनी याद के लिए भेजा था लेकिन अल्लाह मकसद ज़िंदगी भूल कर मकसद ज़िंदगी हमने ए एल्ला शर्मिंदगी बना लिया और दरिंदगी पर आ गए और अपनी ज़िंदगी के हालात से गाफ़िल हो गए अल्लाह गफ़लतों से हमारी तो तोबा है हम आपको भूल कर अच्छे से नहीं ज़िंदगी गुजार सकते आपने कहा है जो बंदा और बंदी नेक अमल करता है उसकी दुनिया भी ठीक कर देते हैं उसकी आखिरत भी ठीक कर देते हैं अल्लाह आज हम सच्चे दिल से आपसे तोबा करने आए हैं अल्लाह हमें माफ़ फरमा कर हमारी दुनिया व आखिरत की बिगड़ी बना दीजिए ए अल्लाह दूर दराज से बहने बेटियाँ बच्चियाँ आई हुई हैं ए परवरदिगार आलमया इजतमा होता है मदरसा चलता है ए अल्लाह इन सब को कबूल फ़रमा लीजिए हमारे भाई की वालदा की मेहनतों को कबूल फ़रमा लीजिए इस घर में इतफ़ाक़ पैदा फ़रमा दीजिए अल्लाह न जाने कैसे कैसे गम के मारे और दुखियारे सुन रहे हैं और सुनेंगे या अल्लाह हमारी बहनें सुन रही हैं अल्लाह तमस... तमाम की औलादों को आँखों की ठंडक बना दीजिए हमारी औलादों को आँखों की ठंडक बना दीजिए औलादों को आँखों की ठंडक बना दीजिए ए रब करीम ए प्यारे रब ए प्यारे अल्लाह ए बहुत करम करने वाले अल्लाह अल्लाह आप देने पर आ जाएं तो आपको कोई टोकने वाला नहीं बोलने वाला नहीं ए बहुत प्यारे रब ए करीम का ए वो ज़ात जिसने हमें ऐसा बनाया कि हमारे गुनाहों को किसी पर जाहिर ना किया। ए आप हमारे गुनाहों को किसी पर जाहिर फरमा देते लोग हमसे मोहब्बत तो क्या करते हैं? हम पर थूकना भी पसंद नहीं करते जिस तरह आपने आज तक अपनी शान सत्तारी का मुजाहरा फरमाया है क़यामत के दिन तक अपनी शान सत्तारी का मुजाहरा फरमा दीजिए अल्लाह जो लोग हमारे अंदर आए तलाश करते हैं अल्लाह हमारे पीछे पड़ते हैं एल्ला हम तो बड़े कमज़ोर हैं आप उनके लिए काफ़ी हो जाइए आप उनको हिदायत दे दीजिए अगर उनके हक़ में हिदायत नहीं तो आप जो बेहतर समझो उनके साथ करें अब करीम ए रब करीम हमारी असलाह फ़रमा दीजिए अल्लाह हमारी असलाह फ़रमा दीजिए हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दीजिए अल्लाह हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दीजिए हमारी औलादों को नेक बना दीजिए दीन के लिए कबूल फ़रमा लीजिए जवान बच्चों बच्चियों को नक बना दीजिए अल्लाह बच्चियों के रिश्ते आसानी के साथ सुलह बेहतरीन रिश्ते करवा दीजिए ए रब करीम अल्लाह अपनी रजा के फैसले फरमा दीजिए अपनी रजा के फैसले फरमा दीजिए अपनी रजा के फैसले फरमा दीजिए इखलास से कामिल नसीब फरमा दीजिए इखलास से कामिल नसीब फरमा दीजिए अल्लाह साहबा वाला मिजाज दे दीजिए अल्लाह तकबर और उज्ब से बचा दीजिए पसंदी से बचा दीजिए सच्चा इखलास दीजिए अपना सच्चा ताल्लुक दे दीजिए कब तक फीकी फीकी नमाजें पढ़ें कब तक फीका फीका जिक्र करें अपनी मुनाज त की लज्ज़त अता फ़रमा दीजिए और ए परवरदिगार आलम ज़िक्र का नूर दे दीजिए रातों की इबादतों का सुरू दे दीजिए और अल्लाह हमारे हमें अपने अलिया की फहरिस्त में शामिल फरमा लीजिए अल्लाह हक को मुतहद फरमा दीजिए हक को मतहद फरमा दीजिए अहब बातिल को तोड़ दीजिए उनके मनसूबों को पाश पाश कर दीजिए अल्लाह हमारे अकाबिर की हिफाजत फरमाइए हमारे मशाइ और अहले अकाबिर की हिफाजत फरमाइए ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा दीजिए अल्लाह हमारी महब्बत लोगों के दिलों में डाल दीजिए अल्लाह हमें अपनी निगाह में छोटा बना दीजिए और लोगों की निगाह में इज़्ज़तों का मकाम अता फ़रमा दीजिए ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता आप हमारे दिल की एक एक तमन्ना को जानते हैं अल्लाह हमें तो मांगना भी नहीं आता इतने अरसा इतना अरसा गुजर गया लेकिन हम दुआ मांगना ना सीख सके हमें मांगना ना आया अल्लाह हमारी गफलतों को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह जो फकीर होता है उसे भी बड़ा अच्छा मांगना आता है वो भी पता नहीं कैसे कैसे अल्फाज कहके अल्लाह वो वो अपने अपने अपनी बात मनवा ही लेता है और वो दो चार रुपए तो निकलवा ही लेता है कैसा ही सख्त दिल हो अल्लाह आप तो रऊफ़ हैं रहीम हैं अल्लाह हमें तो मांगना नहीं आता लेकिन आप तो बहुत देने वाले अल्लाह हैं आप हमारे दिल का हाल और हमारी परेशानियाँ जानते हैं ए रब करीम हमें नेक बना दीजिए हमें खलवतों का तकवा अ फ़रमा दीजिए अल्लाह हमने इरादा किया है कि हमें दीन के लिए कबूल फ़रमा लीजिए आफियत अता फ़रमा दीजिए हिफाजत के फैसले फरमा दीजिए अल्लाह जो हमारे मुखलसिन उनको भी कबूल फरमा लीजिए अल्लाह जो हमारे महबीन है उनको जजाए खैर दीजिए और रब करीम जो हमसे नफ़रत करते हैं हमारे ओयूब उछालते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे दीजिए और अल्लाह आप उनसे भी राज़ी हो जाइए अल्लाह उन हम हम उनको कुछ कुछ नहीं कहते आप ही उनकी असलाह फरमा दीजिए अल्लाह जो हमारी कमियाँ और कोताहियाँ उनको दूर फरमा दीजिए अल्लाह उनको दूर फरमा दीजिए अल्लाह अखलाक़त फरमा दीजिए बद अखलाक़ी से हिफाजत फरमा लीजिए दीन के काम के लिए देर और दूर के लिए तादम हयात कबूल फ़रमा लीजिए और अल्लाह कबूलीत के पूरे आलमी पैमाने पर फ़ैसले फरमा दीजिए ए रब करीम हमें मांगना नहीं आता मांगने का सलीका दे दीजिए ए अल्लाह एक देहाती दुआ मांग रहा था और दुआ मांगते मांगते कहने लगा कि अल्लाह अगर आज आपने ना देने का इरादा कर लिया हो तब भी दे दीजिए हम भी आपसे कहते हैं आपने ना देने का इरादा कर लिया हो तब भी दे दीजिए और अल्लाह ए, ए रब करीम हम आपको आपकी महब्बत मांगते हैं आपका तकवा मांगते हैं अल्लाह हज़ू ने दुनिया के अंदर और आखिरत के तल्ल से खैर आफ़ियत की जितनी दुआएँ मांगी हैं उनमें हमारा हिस्सा नसीब फ़रमा दीजिए व सल्ला तिर खलकी वसाबी वाह बजमाइन बहती